आईपीएस साहिबा ने बीजेपी विधायक को 10 मिनट लेट होने पर गेट पे ही रोक दिया। बीजेपी विधायक हाथ जोड़ते दिखे, लेकिन आईपीएस अधिकारी के सामने विधायक जी की एक न चली। पर यह हुआ क्यों? दरअसल नगर पालिका चुनाव को लेकर तहसील परिसर में नामांकन की प्रक्रिया तेजी से निपटाई जा रही थी। दोपहर के 3 बज गए थे, नामांकन प्रक्रिया का समय भी पूरा हो चुका था। ठीक इसी समय बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी अपने सभासद प्रत्याशी को लेकर नामांकन स्थल पहुंच गए। विधायक जी 10 मिनट लेट थे, लेकिन मौके पर एएसपी पद पर तैनात आईपीएस अनुकृति शर्मा ने उनको गेट पर ही रोक दिया। काफी देर तक इस बात पर दोनों में नोकझोंक हुई। इसके बाद विधायक प्रदीप चौधरी ने प्रभारी मंत्री से एएसपी की बात कराई, तब अनुकृति शर्मा ने डीएम से बात की, फिर कहीं जाकर बीजेपी विधायक को अंदर जाने की इजाजत मिली। अब उनका ये वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है। बुलंदशहर की आईपीएस अनुकृति शर्मा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। कभी वो गांव में चौपाल लगाकर लोगों को अपना फोन नंबर बांट देती हैं, तो कभी बच्चों के साथ उनकी दोस्ती बन जाती है। अनुकृति कभी तो अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाती हैं। उनकी कार्यशैली की चर्चा भी हर जगह रहती है। जब से अनुकृति बुलंदशहर की आईपीएस बनी है, तब से बुलंदशहर के लोग अपनी आईपीएस साहिबा के मुरीद हो गए हैं। तो हमने सोचा हम आपको इस फेमस आईपीएस के बारे में बता दें। अनुकृति शर्मा ने जयपुर के इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल से इंटर पास किया है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता से जियोलॉजिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद अनुकृति ने यूजीसी नेट परीक्षा पास की। इसके बाद अनुकृति को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में मौका मिल गया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही अनुकृति शर्मा का यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का मन बन गया। यूपीएससी के लिए उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की और सेल्फ स्टडी कर सफलता पाई। आईपीएस अनुकृति शर्मा पढ़ाई लिखाई के अलावा डांस और घूमने की भी काफी शौकीन है। वो नई नई जगहों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करती रहती हैं और अक्सर उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।